आशीष का तबादला नागपुर से मुंबई हो गया। आशीष की माँ बहुत खुश थी क्योंकि बड़ी बेटी भी मुंबई में रहती थी। आशीष की पत्नी को भी लगा चलो अच्छा है, सब एक शहर में रहेंगे। आशीष अपनी पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गया। बड़ी दीदी सुजाता ने अपने घर के पास ही एक फ्लैट उन्हें दिखाया था। सभी को वो फ्लैट अच्छा लगा और किराए से उन्होंने उसे ले लिया। आशीष की पत्नी आभा को लगा दीदी पास ही रहती है तो बहुत मदद मिलेगी नए शहर में। सारा सामान पहले ट्रांसपोर्ट से भिजवा दिया और अगली सुबह सभी मुंबई आ गए। आते ही आशीष की माँ ने कहा आभा चलो जल्दी जल्दी घर जमा लो, फिर सुजाता और जमाई जी आएंगे, साथ साथ खाना खाएंगे। आभा अभी लंबे सफर की थकान दूर भी नहीं कर पाई कि घर जमाने में लग गई। आशीष ने आभा से कहा मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, आज तो कुछ नहीं बन पाएगा घर पर। 2000 रुपए का खाना लेकर आशीष घर आया। तब तक सुजाता अपने पति और बच्चों के साथ आशीष के घर आ चुकी थी। आभा ने जैसे तैसे प्लेट लगाई, सभी ने खाना खाया और खाते ही निकलने लगे ये कहकर कि अगले दिन बच्चों का स्कूल है। आभा दंग रह गई कि दीदी को आज हमें अपने घर बुलाना चाहिए था, उसके बदले वो तो यहीं आ गई। सास ने आभा से फटाफट सब कुछ समेटने को कहा। आभा ने कुछ ही दिनों में घर सजा लिया। वो बहुत खुश थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। सुजाता दीदी अक्सर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ जाती, देर रात को लेने आती, फिर पूरा परिवार खाना खाकर जाता। आभा की सास को बहुत अच्छा लगता लेकिन आभा को ये एक तरफा रिश्ता कुछ खटकने लगा। सुजाता दीदी ने आभा और आशीष को एक दिन घर पर बुलाया, खाने की तैयारी ना के बराबर की। आभा को ही सब कुछ बनाना पड़ा। आशीष दीदी की इन बातों को समझा नहीं। आभा ने एक दो बार बात की लेकिन व्यर्थ ही रहा। COVID-19 के चलते सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। सास ने आशीष को कहा कि दीदी और उनके परिवार को यहीं बुला ले। आशीष मान गया। आभा परेशान थी कि यदि सारे आ गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सुजाता तो सारा सामान बांधकर तैयार ही थी कि तभी पता चला कि आशीष की सोसाइटी में एक केस आया। सुजाता ने जाना कैंसिल कर दिया। आभा ने भी सुकून की सांस ली। आभा ने घर पर सारी जरूरत की चीजें पहले ही भर ली ताकि आशीष को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन सुजाता दीदी अक्सर फोन कर कहती आशीष तुझे लिस्ट भेजी है, ये सामान घर ले आ। ये एक दो बार नहीं 6-7 बार हुआ। आभा को बहुत बुरा लगता कि सुजाता दीदी अपने पति को तो बाहर भेजती नहीं और आशीष से काम करवाती है। आभा के लिए अब पानी सिर के ऊपर आ गया। उसने तय किया कि वो अब उन्हें खरी खरी सुना देगी। आशीष और सास को तो मानो कुछ लगता ही नहीं था। आशीष बाथरूम में था कि तभी सुजाता का फोन आया। आभा ने फोन उठाया तो दीदी ने कहा आशीष को बोलना जरा राशन की लिस्ट भेजी है, घर दे जाए। आभा ने जवाब दिया दीदी आप आज जीजाजी को भेज दीजिए, आशीष नहीं जाएंगे, बहुत केस बढ़ रहे हैं, बाहर जाना मुसीबत मोल लेने जैसा है। दीदी गुस्से से बोली आभा वो मेरा भाई है, थोड़ा सा काम कर देगा तो क्या जाएगा। आभा ने जवाब दिया दीदी आपके भाई मेरे पति भी है, जैसे आप जीजाजी को बाजार नहीं बेचती वैसे मुझे भी इनकी चिंता है। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। सुजाता ने माँ से शिकायत भी की, सास ने आभा को डांटा भी। आशीष ने भी आभा से कहा कि ऐसा क्यों किया उसने। आभा ने रोते हुए कहा रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आभा की बात सुनकर आशीष को भी इस बात को एहसास हुआ कि सुजाता दीदी गलत थी। माँ ने भी कभी दीदी को नहीं समझाया। दूसरी तरफ आभा की सास को भी आज अपनी गलती समझ आ ही गई कि जैसे सुजाता उनकी बेटी है वैसे आभा भी मेरी बेटी जैसी बहू ही है। सुजाता को कुछ समय आभा की बात चुभी लेकिन माँ के समझाने पर उसे भी लगा कि यदि परिवार के सभी लोग अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाए तो कोई रिश्ता ना टूटे। दोस्तों ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।